नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिसा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रही है पिला माने ओएसएससी एटीओ डिप्लोमा डिग्री कर पिलांकर जो क्रैश कोर्स क्लास रही है सिलेबस वाइज डिस्कशन ये रही आप आठ नंबर क्लास या पूर्व ऑलरेडी सातटा क्लास अपलोडेड हो सारी पिला माने समस्त जानते जमी का तो आजिकार क्लास आठ नंबर क्लास रही है। आजिकार क्लास में आम सारे क्या इंजीनियरिंग फिजिक्स को या पूर्व ऑलरेडी क्लास दुईटा आपंकर अपलोडेड अच्छी तो आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स जो को जो क्लास आसी आपको कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी क्लास को नहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास नहीं सहित इंजीनियरिंग फिजिक्स रही जाइए तापर केमिस्ट्री क्लास करापर आम बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सहित आपको मैथमेटिक्स क्लास रही है आगे तो नेक्स्ट आम जोटा कि सब्जेक्ट वाइज क्लास करुचे तो समस्त क्लास को इंपोर्टेंट नहीं चलांतु समस्त क्लास में जोटा क्वेश्चन आपको अटेंडेंट कर पीवाईके रही भितर सहित आपको एक्सपेक्टेड जोटा कि आपको एक्जाम आसवर जो क्वेश्चन रही मुझे आपको सहित डिस्कशन कर तेणु आगे को बढ़िया आज का सेशन को नहीं जावा कौन कौन आज का सेशन अच्छी देखीदे जमीका कि आम डिस्कशन हो सारी यूनिट एंड डायमेंशन स्कालर एंड वेक्टर्स काइनेमेटिक्स वर्क एंड फ्रिक्शन ग्राविटेशन ऑसिलेशन एंड वेव्स एतिक पर्यटन आप डिस्कशन हो सारी पे दुईटा क्लास आपको डिस्कशन मुझे सारी एपंक क्वेश्चन समस्त अवेलेबल था पीवाईके सहित आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आजिकार डिस्कशन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स सहित करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मॉडर्न फिजिक्स ये समस्त विषय आजिकार आलोचना होगा टी लेंथी क्लास रही है कहीं क्लास में आम समस्त सब्जेक्ट को कवर करवा तो चलते आज का सेशन को आगे नहीं बढ़ी जावा देखिए कौन अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लास में जमीक आपंकर 60 क्वेश्चन आपको डिस्कशन हो सकता है दुटा क्लास आज का क्लास आम 61 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवा तो प्रथम क्वेश्चन आपको आसा सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स रिटर्न्स बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड आप कहला कौटे गोटे सिस्टम जोटा कि बहुत प्रकार स्टेट को पास करके डिफरेंट स्टेट को पास करके पुणी तरह से ओरिजिनल पोजिशन को ओरिजिनल स्टेट को आसी जाऊँच रिटर्न करके आई प्रोसेस को कौन कही आम से प्रोसेस को कौन कही गोटे सर्कल चली था जोटा कि साइक्लिक प्रोसेस आपको उत्तर ठीक है पे मैंने नेक्स्ट जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन अच्छी आप क्वेश्चन आप उत्तर परवर्त क्वेश्चन आप देख द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर तो ये कहला आपर एम कौटा गोटे थर्मोडायनामिक स्टेट नुहे कौन सी मैटर थर्मोडायनामिक अच्छी अवस्था नुहे सेटा कौन हो टेम्परेचर प्रेसर वॉल्यूम ए समस्त आपको थर्मोडायनामिक गोटे गोटे स्टेट रही स्टेट ऑफ मैटर बाकी वर्क गोटे प्रकार एनर्जी दैट इज नॉट ए स्टेट ठीक है पे आप सी जो उत्तर परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी देखिए पे परवर्त क्वेश्चन पचारा द डोर ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन व्हाइल इट इज व्हाइल द स्विच इज ऑन देन द रूम विल आपंकर कौन होगा ना गोटे बढ़िया कथ क्वेश्चन पचारा क्वेश्चन आप रेलवे भी पचारि था आपंकर बहुत परीक्षा एवर्ट को आसी था फिजिक्स क्वेश्चन टा ठीक है पे आप क्वेश्चन पचारा गोटे रेफ्रिजरेटर आप घर जो व्यवहार कर फ्रिज व्यवहार करेफ्रिजरेसन व्यवहार करते कौन ना गोटे रूम में आप कौन कले रेफ्रिजरेटर डोर को खोली दिंतु और स्विच ऑन कर रखु तो कौन हम रूम्र अवस्था कौन हम रूम्र अवस्था कौन हम ना गरम हो गेट हिटेड हे ठीक है पे यही आप उत्तर परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी देखिए हिट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इनफिनाइट इट मीन आपंकर जो हिट कैपासीट कौन सब्सटेंस जो इनफिनिट हो जाए तार अर्थ कौन हम तार माने कौन हम नो चेंज इन टेम्परेचर तार चेंज टेम्परेचर कौन चेंज हो ना तेणु आप थर्मल जोटा कि कंडक्टिविटी थर्मल थर्मल जोटा कि आप थर्मोडायनामिक्स आप रहा जोटा कि हिट कैपासीटा आपंकर इनफिनिट हो उत्तर सी हो परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन पचारा पे द फ्रीजर इन ए रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन एट सो दैट आप जो फ्रीजर था फ्रिजर रोटा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम टा कौन सी ना तार ऊपर सिस्टम रे था रखाई सेक्शन में रखाई ऊपर सेक्शन टॉप सेक्शन में रखाई कौन पर रखाई कहीं द एंटायर चैंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन तो कन्वेक्शन मेथड रे कौन हम ना क्विकली आपर जोटा कि थंडा करने तार रेफ्रिजरेशन तो कर रेफ्रिजरेशन वर्क करने आप सेक्शन टाक रेफ्रिजरेटर सेक्शन टाक आप फ्रिजर सेक्शन को अफ रे रखाई था आप यही जो उत्तर परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन में पिला देला एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन रिजर्वर्स मेंटेन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड -123 डिग्री सेल्सियस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पीवाई के रहियो पूर्व वर्ष क्वेश्चन पचरा जाइए आपको क्वेश्चन पचारा गोटे कार्नोट इंजन एफिशिएंसी विषय जोटा कि ऑपरेटिंग बिटवीन कहूँ दुटा रिजर्वर्स ऑपरेटेड होती गोटे टेम्परेचर गोटे सिंक टेम्परेचर देदेला आपको 27 डिग्री आउ गए सिंक टेम्परेचर देला -123 डिग्री ताहले आपण मानको तार कार्नोट एफिशिएंसी काढिया कोइला कार्नोट एफिशिएंसी आपण कोन हिजो 1 -T2/T1 आपण T2 रहिला कोन जे -123 एवं T1 मीन्स आपण T2 आउ T1 होला कोन टेम्परेचर 1 आउ टेम्परेचर 2 दुटा सिंक रे जो टेम्परेचर दिथि ठीक अछि पिलाने आपण फॉर्मुलेशन देखतो निश्चित भाबे आंसर पाइबे तो आपण 50% जोटा के हिजो 0.5 बा 50% जोटा के आपण एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन रो एफिशिएंसी म्यू दैट इज इक्वल टू 1 -T2/T1 मने खेतबे इंपोर्टेंट होय पिलाने
नेक्स्ट क्वेश्चन जी माने एक्सप्रेशन कोन छि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होला व्हिच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बढ़िया क्वेश्चन पचला पिला माने एमान कोदरु कोउटा गुटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोउटा हे जिवो आपनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता होची गुटे प्रकार इंटेंसिव प्रॉपर्टी आउ जो वॉल्यूम मास वेट एगुडा सब होची एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोउटा एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जोटा के डिपेंड करता क्वालिटी ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम कोनसी सिस्टम रो क्वालिटी रो मैटर क्वालिटी ऊपर डिपेंड करता जदि ताहाले ताको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहिबा जदि आपन इंडिपेंडेंट क्वालिटी रहेगा ताले से रह जीवा अपनों को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा अपनों को कौन सी प्रकार ये जो टा की इंटेंसिव प्रॉपर्टी हेगला ठीक है जो वॉल्यूम मास वेट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो पिला माने आपन को किछि पिला को कमेंट देला सर सिलेबस वाइज डिस्कशन करू मु जो डिस्कशन करू पिला माने कोन वाइज करू जी आपन माने को जो कुछ किछि पिला को माने बथे गुटे क्लास देखिले आ तापर आसी गेले जे कमेंट कहबा ठीक है पिला ने आपन प्ले लिस्ट को जानतु पूरा क्लास को देखंतु फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत मु ओनली सिलेबस वाइज ही डिस्कशन करू जी ठीक है पिला माने आउ किछि किछि पिला को छै सर प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन करंतु आपन मान को गुटे कथा मने रहुना जे पिला माने मु एई जो डिस्कशन करू छी यदि 30 क्वेश्चन अपन डिस्कशन करू छी सेतिर 12 टू 15 टा क्वेश्चन जोटा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही छी से सिलेबस वाइज जोटा की जो जो क्वेश्चन गुडा आसीतला सेतिर मु पीआई के बा इंपोर्टेंट जोटा मार्किंग करके जाऊ छी बा कहू छी सेटा होची आपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी छी आपन मान को ओनली बिलीव हबो केतले क्वेश्चन जेतले आपन देखिवे सर ना पीडीएफ रे जदी आपन माने सर प्रोवाइड कर देबे सर क्वेश्चन टा दन पीडीएफ रे मु देखिले सेटा होची कोन ना रियल पीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहले आपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोटा की एडिटेड क्वेश्चन हे परिवने ठीक ना किंतु सेमती कथा नहीं पाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इनक्लूडेड कर सब वीडियो स्लाइड रे तो वीडियो स्लाइड को समस्त को देखु था नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दला इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर इज 95 डिग्री फारेनहाइट व्हाट विल बी क्रिएटिंग एट सेल्सियस को आपन को कहिला यदि बॉइलिंग पॉइंट आपन मान करो 95 डिग्री फारेनहाइट हेवे तार सेल्सियस के लिए कोन होबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपन निश्चित आसीबो मार्किंग करियो खंतु एहार वैल्यू आपन को चेंज हे पारे बट फॉर्मुलेशन आपन मन रखितबे ए क्वेश्चन निश्चित भाबर गुटी आसीबो आपन को आंसर तो 35 डिग्री होबो फॉर्मुलेशन कोन होबो सेल्सियस डिग्री इक्वल टू 5/9 दैट इज इनटू एफ माइनस 32 एफ हेला आप फारेनहाइट जोटा आप वैल्यू दे तो 5/9 इनटू एफ माइनस 32 दिस इज द फॉर्मूला आपन सही फॉर्मूला पुट करतु निश्चित भाव में सेल्सियस स्केल कौन रीडिंग हम बाहरी पड़ो ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोजेक्ट ऑफ द जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द पाथ लाइट फॉलोस थ्रू द सिस्टम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज आप कहला गोटे प्रोडक्ट जोटा के जियोमेट्रिक लेंथ पाथ ऑफ लाइट जोटा के फॉलो करता है गोटे सिस्टम जोटा की गोटे पाथ को फॉलो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित मीडियम सहित जोटा की आपको मीडियम सहित जो फॉलोअप करता है कौन कही कौन कहें ऑप्टिकल पाथ मन खेती है बी आपको थी ऑप्टिकल पाथ मन खेती है ऑप्टिक्स क्वेश्चन डिस्कशन कर The product of refractive index of the medium and geometric distance traveled by the light in the medium is known as optical path. A difference in optical path length between two paths is called path difference. यदि आपन को दीटा ऑप्टिकल पाथ भितरे जो पाथ लेंथ रो डिफरेंस को आपन कैलकुलेट करिवे ताको हमें कहिता ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गुटे इमेजिनरी पाथ अलोंग व्हिच एनर्जी ट्रैवल एसोसिएटेड विथ द पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट जो वेव फ्रंट सहित जो कौन से प्रकार एनर्जी जो कि आप ट्रांसफर हो ट्रावेल कर इमेजिनरी पाथ को आम कौन कही था रे पाथ ये समस्त जिन टर्म गुडा मन रखे आप इंपोर्टेंट रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्त क्वेश्चन देला आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द डाइवर्जिंग एंड और नेगेटिव लेंस एम कौटा गोटे डाइवर्जिंग आउ नेगेटिव लेंस ये जो बाइकनवेक्स ठीक है पाला नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस यहाँ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है पीआई के आपको रही है ये आप पावर लेंस रो पावर टाइम कौन कह जाए ये आप लेंस रवर हो रेसिप्रोकल ऑफ एफ ठीक अच्छे पे रेसिप्रोकल ऑफ एफ सी एन सी आंसर तो रेसिप्रोकल ऑफ एफ जो फोकल लेंथ आप ठीक अच्छे तो दैट इज इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f हो गला तेणु आपसार मुझे आउ गए जिनस देदेली जो आप पूर्व पचार पावर ऑफ लेंस करदे जोटा कि 1/f जो रेसिप्रोकल ऑफ एफ करदे जदि आप पचार रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्ल्ड कर्वेचर जदि कर्वेचर कहे तो सी इक्वल टू आपको 1/r ताको भी मन रखिथे यहाँ भी मुझे मेनसन कर दीजिए परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी देखा इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी यदि आपर वाटर कौन सी प्रकार पानी भितर कौन सी लेंस को प्लेस करदे तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन है जो वाटर रिस्पेक्ट रे एम इक्वल टू ए बाय ए आप ए बाय बी है जो एम इक्वल टू ए बाय बी आप उत्तर है जो ठीक अच्छे पाला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एम रे आम डिनोट करे आसत ए आपला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू वाटर आ बी हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ठीक अच्छे पाला तो ये आप बी रैल्यू अनुसार से अनुसार जो फॉर्मुलेशन हम एम इक्वल टू ए बाय बी
नेक्स्ट जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोजी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस लेंस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पिला माने मार्किंग कर नियंतु आपन मन कर एसआई यूनिट रो जोटा की एसआई यूनिट रे लेंस ऑफ पावर पावर रो कोन होय छी आपन कर यूनिट हे जो डाइपोड रे आपन कर हे जो यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप आपन जो सिंपली माइक्रोस्कोप जोटा के व्यवहार हो छी तार सेतिर आपन को लेंस को नाम कोन तार नेम से जो बाइकॉन्वेक्स ए क्वेश्चन गुटे आपन को जो कि एटीओ परीक्षा आसी नथिला किंतु गुटे परीक्षा आसी दिला प्रीवियस परीक्षा रे ओएसएससी परीक्षा रे तनु एटा इंक्लूड करछि बाइकॉन्वेक्स आपन को आंसर जो ए हेला उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जीवा इन एक्सरे एमिशन ट्यूब ओके एक्सरे इज एमिटेड बाय द एसिलेशन ऑफ आपन को एक्सरे एमिटेड ट्यूब रे एक्सरे जोटा के एटा इमिटेड हेताय कोन एसिलेशन होई कि कोन कोनटा एसिलेशन होले इलेक्ट्रॉन्स माने कितबे इलेक्ट्रॉन्स लेखा हेतु आपन जेतले कौन से प्रकार एक्सरे रूम को जाउछथि कौन से प्रकार हॉस्पिटल एक्सरे करय को जानथि निश्चित हर देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एन आयरन रॉड इज हीटेड बढ़िया क्वेश्चन टा आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करंतु आपनकर क्वेश्चन देला गुटे आयरन रॉड को हीटेड कर करा वाला गरम करले जेतले एटा जेतले गरम होउछि इट चेंजेस कलर तो ये कलर चेंज हेते तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इंडिकेट्स वेरी हाई टेंपरेचर कौन कलर टा आपनकर सबुटु अधिका टेंपरेचर हाई टेंपरेचर रो दर्शाय कौन कलर नेक्स्ट आय ब्लू कलर मने कहतिबे रेड हॉट बा व्हाइट नु है ब्लू कलर इज द हाई टेम्परेचर मन रखे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जमी आप स्टोव बर्नर देखिए जलुव जितने पूरा क्वालिटी बर्नर जले से देखिए आप ब्लू कलर आप फ्लेम गुडा देखा पाइए यहाँ सिंपल आप कौन से प्रकार फर्नेस कौन से इंडस्ट्री की जीवा ना आप स्टोव देखिपारे आप गैस जल्ला बेले देखिपारे गैस जितने जलुच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देला रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस इमिट्स आपनकर रेडियो एक्टिव जोटा के न्यूक्लियस रे एमिट हुए सेटा को कोन एमिट करता सी आपनको एमिट करता है गामा रे एमिट करता है इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होलोग्राम्स आपनको होलोग्राम व्यवहार करिया पई फॉर्मेशन करिया पई कोन आमे व्यवहार करथौ लेजर्स होलोग्राम आमे जोटा के तैयारी करिया पई लेजर रे व्यवहार करथौ नेक्स्ट क्वेश्चन देला जे होलोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपनको होलोग्राफी टा कहार प्रिंसिपल ले जोटा कि तैयारी होता है होलोग्राफी टा आपनको इंटरफेरेंस प्रिंसिपल होता है परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जा देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द ऑब्जेक्ट हैज ए लार्ज फोकल लेंथ एट वेरी लार्ज आई पीस आपनको बहुत बड़ आखिर देखिपारे और बहुत बड़ तार फोकल लेंथ थाए कौन इंस्ट्रूमेंट था इंस्ट्रूमेंट नाम आपको कौन जो टेलीस्कोप सिंपली सी आपको आंसर हो टेलीस्कोप मन रखे इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया व्हिच कलर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ टॉप व्हेन द व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ए ग्लास प्रिज्म आपको गोटे काचर प्रिज्म अच्छी जदि तार टॉप रु आप देखुं कौन से लाइट इंसिडेंट होती लाइट इंसिडेंट मीन ताक आसूल से कौ कलर एपियर हम से रेड कलर हो इंपोर्टेंट रही है आपको प्रिज्म क्वेश्चन आसी थे सी आप उत्तर होड नेक्स्ट क्वेश्चन देला हू गेव द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आप क्वांटम थ्योरी लाइट रो क्वांटम थ्योरी किए देते हैं मैक्स प्लांक ठीक अच्छे पे क्वांटम थ्योरी कौन देखा जे मैक्स प्लैंक प्रपोज करते क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट व्हिच स्टेट दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स आपनकर जोटे कि डिस्क्रीट एनर्जी कौन से डिस्क्रीट बंडल को लेकिन जोटे कि स्मॉल पार्टिकल्स रे लाइट फॉर्मेशन होता है जहाँ को आम फोटॉन्स कही स्टेटमेंट देते मैक्स प्लैंक आउ क्वांटम थ्योरी आपको कहते हैं परवर्त क्वेश्चन जी व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नेटिक लाइन व्हिच फॉर्म ए क्लोज पाथ जब आपको मैग्नेटिक लाइन टा गोटे क्लोज पाथ रे फॉर्मेशन होती से लाइन को आम कौन कही था आम कही था मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन सिंपल आपको डी है जो उत्तर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक मैग्नेट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्किंग करूँ आपको वीक मैग्नेट रो क्वेश्चन आसला कौटा आप वीक मैग्नेट आप डाई मैग्नेटिक जोटा कि आपको वीक मैग्नेट हो सब दुर्बल मैग्नेटिक तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी देखा ओके परवर्त क्वेश्चन देला पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल तो एम कहते कौटा गोटे डायमैग्नेटिक मटेरियल ठीक अच्छे पे तो आप डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन आसो सीटा आप आसो जो नाइट्रोजन एट एसटीपी नाइट्रोजन एंड एट एसटीपी जो गोटे प्रकार जो डायमैग्नेटिक मटेरियल आसत सोडियम कैल्सियम ऑक्सीजन एट एसटीपी जो हूँ पारामैग्नेटिक मटेरियल ठीक अच्छे पे डायमैग्नेटिक आसगला नाइट्रोजन किंतु कैल्सियम सोडियम ऑक्सीजन एगुडा सब पारामैग्नेटिक रे आसीबो ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देखा हुई फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल देखिले से क्वेश्चन गला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आसा हुई फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कुरिस लॉ इंपोर्टेंट मार्किंग करते पे कुरिस लॉ पर गोटे क्वेश्चन निश्चित आसो ये कुरिस लॉ को करेक्ट एक्सप्रेशन कौटा एक्स इक्वल टू सी म्यू जीरो बाय टी आपको आंसर हो बी इंपोर्टेंट रो तो सहित एक्सप्रेशन लॉ वैल्यूएशन करेक्शन देदेली मुझे ये शो करुच्छे कौन परमानेंट पारामैग्नेटिक मटेरियल बोथ एक्स एंड म्यू डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट ऑल्सो सैंपल टेम्परेचर
से कहला ओनली मेटेरियाल जोटा कि आपंकर पारामैग्नेटिक मेटेरियाल जोटा कि मेटेरियाल ओनली डिपेंड करनी क्या डिपेंड कर ओनली अल्सो जोटा कि आप सहित मेटेरियाल तो डिपेंड कर सहित आपको सैंपल टेम्परेचर उपर डिपेंड कर देखा When does a ferromagnetic material become paramagnetic? आपण माने केते बेले जोटा कि आपणकर ferromagnetic material टा उठे paramagnetic material ले कन्वर्ट हिजबो ये हे जो जते बेले आपण क्यूरी टेम्परेचर को ता ऊपर को चल जिवो f of the curie temperature ठीक है जी पिला माने डिस्कशन जिवा डिस्कशन देला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी आपणकर कहला कि ड्राई ह्यूमन बॉडी रो जो कि मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस आपण केते रहिबो एटा रहिबो 10 टू द पावर 4 ओम इंपोर्टेंट रहिबो मार्किंग करतु ये क्वेश्चन आसी सरची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज आपणकर एटा कहिला देखो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कोनसी प्रकार क्रॉस सेक्शन नै परे राउंड हो सर्कल हो राउंड हे गला जोटा स्क्वायर हे गला रेक्टेंगल हे गला ट्रायंगल कोनसी प्रकार क्रॉस सेक्शन जदि आपणकर फ्लो होउछि इलेक्ट्रिक चार्ज ताहाले ताको आमे कोन कहिथाउ ताको आमे कहिथाउ इलेक्ट्रिक करंट सिंपल कथा नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि आइडेंटिफाई द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंटर डायमेंशनल फार्मूला मार्किंग करंतु एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए वन आपको क्वेश्चन आसो ही आसो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन चीज कल इज मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल आप कंडक्टिव एलिमेंट मान कौटा गोटे जो मोस्ट से आप बहुत भल भाव परिवहन हो पार सुपरिवाही जो कहते सिल्वर आपको एनसर परवर्त क्वेश्चन जी टू मेन्टेन ए स्टेडी करेंट थ्रो द कंडक्टर हाँ आउ गए क्वेश्चन आप सुपरिवाही दे सिल्वर आलुमिनियम कितु आम सिल्वर को कहीं यूज करूने सिल्वर को बहुत जगह कम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर आलुमिनियम को यूज करते आलुमिनियम तो सेकेंड में आसो कि सुपरिवाही सिल्वर आसी था एथिपाई आप सिल्वर जो अति कॉस्टली हम आ समस्त जगह अवेलेबल हो पारे एत मात्र कंटेन्टी अवेलेबल हो पारे से आम आलुमिनियम व्यवहार करवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला टू मेन्टेन ओके टू मेन्टेन ए स्टडी करेंट थ्रो द कंडक्टर सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क व्हाट डज द एक्सटर्नल डिवाइस प्रोवाइड तो आप एक्सटर्नल डिवाइस जो आप कौन हो जाए जैसे स्टडी करंट गोटे कंटिन्यूस फ्लो आप कंडक्टर करंट फ्लो कर सम एक्सटर्नल डिवाइस कौन करना से आप वर्क करे से आप कौन कहते से एक्सटर्नल डिवाइस कौन प्रोवाइड करते आप ईएमएफ प्रोवाइड करते आप कहते कौन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोवाइड करते परवर्त क्वेश्चन जी हुई ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओमिक कंडक्टर तो यूर ओमिक कंडक्टर कौन एम भितर निक्रोम जो गोटे ओमिक कंडक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इंजीनियरिंग फिजिक्स लास्ट क्वेश्चन आपको देखी दिखाँ इन फोटो सेल सेसियम इज कोटेड विथ ऑक्सीडाइज सिल्वर कैथोड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर आपण कौन आप इन्फ्रारेड लाइट आप सी जो उत्तर इन्फ्रारेड लाइट आप जो कि फोटो सेल जो कि सेसियम कोटेड होता है ऑक्सीडाइज ये थी आज का सेशन समस्त क्वेश्चन मुझ आशा करती सेशन समस्त को भल लगे थैंक यू फर वाचिंग पुणी देखा ये भिडियो सहित बहुत जल्दी आप सहित से भिडियो को लाइक करूँ पे लाइक न कले मुझे भिडियो नेक्स्ट बन के कौन पाए आई भिडियो को लाइक करूँ सेयार करूँ और भिडियो नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करूँ थैंक यू फर वाचिंग पुणी देखा से समस्त को धन्यवाद और बाय।